ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पद्रुवेशा कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिकाकांता राधाकांता सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो नैमिषारण्य में अलग अलग संत इकट्ठे हुए हैं एकत्रित हुए हैं ये लोग 5 प्रश्न पूछ चुके हैं। तो पहला प्रश्न था कि कौन सी ऐसी चीज है जो सभी लोगों के लिए लाभकारी है और हमेशा के लिए लाभकारी है। पहला ये था या लाभदायक है, तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था, तो ये था श्लोक नंबर 9 में। श्लोक नंबर 11 में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्योंकि कलयुग के लोगों की उम्र बहुत कम है इसीलिए आप सारे शास्त्रों का सार बताइए, सारे शास्त्रों के सार में से बताइए जो सारे जीवों के लिए कल्याणकारी हो। ये दूसरा प्रश्न था श्लोक नंबर 11 में। श्लोक नंबर 12 में उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा था कि भगवान देवकी माता के गर्भ से क्यों प्रकट होते हैं, वासुदेव और देवकी से क्यों प्रकट होते हैं, कृष्ण क्यों आते हैं इस दुनिया में। ये तीसरा प्रश्न था श्लोक नंबर 12 में। श्लोक नंबर 17 में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि पुरुष अवतारों के बारे में बताइए जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, गर्भ दक्षा विष्णु, कर्ण दक्षा विष्णु, थिरो दक्षा विष्णु, इनके बारे में बताइए। श्लोक नंबर 18 में उन्होंने पूछा था कि भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए, कौन कौन से अवतार में भगवान क्या क्या लीला करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा था। और खासकर अभी वो लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के बारे में सुनने के लिए अधिक रुचि रखते हैं, तो उसके उन्होंने अलग अलग तर्क दिए थे क्यों वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21, 21 में आएंगे हम। कलिम आगतम आज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा।
ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाय। सत्ययुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घ काल ध्यान करने में समर्थ थे तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए जाने लगा और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संतुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए। आई लॉस्ट द ट्रैक प्रभु। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं मिलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं या फिर श्रीमद् भागवतम में क्या बता है कि ये सारे ऋषिगण कह रहे हैं कि हम लोग 1,000 वर्ष तक यज्ञ संपन्न करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि कलयुग वासियों को कुछ इससे लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। प्रभुपाद जी कहाँ बोल रहे हैं, तात्पर्य बोल। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बताते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हर युग के अलग अलग युग धर्म होते हैं क्योंकि लोगों की आयु भी अलग अलग होती है। सतयुग में लोगों की आयु होती है 1 लाख वर्ष, इसी युग धर्म होता है तपस्या या भगवान विष्णु पर ध्यान। त्रेता युग में लोगों की आयु हो जाती है 10,000 वर्ष, इसलिए युग धर्म हो जाता है यज्ञ करना। द्वापर युग में लोगों की आयु हो जाती है 1,000 साल और डीटी वर्शिप या विग्रह पूजा मेन युग धर्म बन जाता है। उसी तरह से वो कहते हैं कि कलयुग में लोगों की आयु मात्र 100 साल रह जाती है, वो भी अधिकतम। इसलिए इसमें ये युग धर्म है वो ऐसा युग धर्म है जिसमें कोई नियम नहीं है। वो क्या है, भागवत धर्म, श्रवण कीर्तन। अभी कलयुग वासियों को बोलेंगे डीटी वर्षे तो इतनी सर्दी में कई लोग उठेंगे नहीं सुबह सुबह, ड्यूटी वैसे भी दूर की बात है। लेकिन भागवत धर्म ऐसा धर्म है कि भाई आप रजाई से उठिए और सीधे जाके आप श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो खासकर कलयुग के लोग क्योंकि बहुत आलसी होते हैं, वो इतना नियम फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो श्रवण कीर्तन ही माध्यम है। तो इसलिए महाप्रभु ने बताया कि कैसे भक्ति के 64 अंग हैं, लेकिन मुख्य अंग कौन सा है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले ले पाई प्रेम। सारे चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन।
इसलिए हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की जो लाइफस्टाइल थी वो काफी आइडल थी। अभी सब लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हमको फॉलो करना चाहिए। तो महाप्रभु जब पुरी में थे तो सुबह से उठ के मंगल आरती अटेंड करते थे जगन्नाथपुरी के टेम्पल में 5 बजे। उसके बाद में महाप्रभु समुद्र में जाते थे, पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे महाप्रसाद लेके, और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जाते थे वो समुद्र के तट पे, वहां पे महाप्रभु अपना जप किया करते थे 64 राउंड्स। उसके बाद दोपहर का स्नान करते थे, दोपहर का स्नान करने के बाद में वो जाते थे टोटा गोपीनाथ, और 2 घंटे भागवतम डिस्कशन करते थे गदाधर पंडित के साथ। उसके बाद फिर प्रसाद लेते थे, प्रसाद लेने के बाद फिर 45 मिनट्स के आसपास, 48 मिनट्स वो विश्राम करते थे। विश्राम करने के बाद में उस शाम के टाइम प्रीजिंग प्रोग्राम करने जाते थे जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर। तो मंदिर के अंदर सारे भक्तों के साथ में कीर्तन किया करते थे, वो उनका था प्रीचिंग प्रोग्राम। और फिर वहां से लौटने के बाद में वो जो फॉलो करते थे वो कोई फॉलो नहीं कर सकता है, वो रात भर कृष्ण के लिए विलाप करते थे तो सोते नहीं थे, तो वो तो हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो डे का उनका शेड्यूल है वो बहुत फिक्स है। तो मेन आप देखेंगे उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो डीटी वर्शिप, वो सुबह सुबह जो मंगल आरती होती है, जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं वो भी डीटी वर्शिप करते हैं, और जो डीटी वर्शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी, उनको भी डीटी वर्शिप करने का फायदा मिलता है। इसलिए जब हम लोग आरती लेते हैं या फिर जब वो पुजारी जल छिड़कता है और सबके ऊपर जाता है, उसको अटेंडिस को भी डीटी वर्शिप का फायदा मिलता है। सो दैट इज इक्वल टू डीटी वर्शिप। तो सर डीटी वर्शिप करते थे, हरि नाम अपना 64 राउंड करते थे, हम उतना नहीं करते हैं बट जो भी दिया गया उतना करना चाहिए। और फिर तीसरी चीज वो करते थे, वो डेली 2 घंटे भागवतम डिस्कशन करते थे गदाधर पंडित के साथ। तो ये उनका जो मेन एक्टिविटीज, तो ये जो फॉलो करेगा उसको आराम से कलयुग में परफेक्शन प्राप्त हो सकता। तो 20 नंबर श्लोक जो हमने लास्ट टाइम किया था, उसके बाद में सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि से बोलते हैं कि ये बड़े आश्चर्य वाली बात है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, दीर्घ सत्रेणा आप लोग यज्ञ कर रहे हैं जो कि एक हिसाब से कर्मकांड यज्ञ टाइप का है, लेकिन आपके अंदर कृष्ण कथा सुनने की इतनी उत्कंठा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि देखिए समझिए कि हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए है और उससे कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तो मेन हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो एक बहाना है, लेकिन असली बात यह है कि ये जो स्थान है वो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और हम यहाँ पर कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। तो यज्ञ तो एक बहाना है, मेन चीज क्या है, कृष्ण कथा। जैसे जब गीता दान यज्ञ होता है तो गीता दान यज्ञ हमारे भक्त लोग क्यों करते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है, गीता के श्लोक उच्चारण करना है, आप सिर्फ इतना करेंगे तो लोग आएंगे नहीं, इसलिए क्या करते हैं यज्ञ कर देते हैं। जब अग्नि जलती है और लोग आहुति करते हैं स्वाहा स्वाहा, चलता है वो ये होम अज्ञान तिमिरंजस्य ज्ञानांजना शलाकाय स्वाहा, फिर वो जब वो धुआं उठता है उससे लोगों को बड़ा प्रेरणा मिलती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे गीता दान यज्ञ किया जाता है। लेकिन मुख्य चीज क्या है कि भक्त लोग गीता के श्लोकों का उच्चारण और उसको समझना चाहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हम मुख्य चीज क्या चाहते हैं, हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। और जब हम यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत सारे भक्त यहाँ पर आएंगे और भक्त आके कृष्ण कथा करेंगे जिसका हम लोग आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे पहले साधु संत वगैरह तीर्थों में क्यों भ्रमण करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि सारे साधु संत तीर्थों में भ्रमण करते हैं, अगर हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे अन्य साधुओं का संग मिलेगा, उनके साथ श्रवण कीर्तन करने का मौका मिलेगा, इसलिए साधु लोग कहाँ करते थे, तीर्थों में भ्रमण किया करते थे। तो मुख्य कारण क्या है कि भक्तों के संग में
श्रवण कीर्तन करने का मौका मिले, तो ये मुख्य चीज। ओके, तो फिर उसके बाद हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 22। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्सरं निस्तितिर्सतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवाणव। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा, हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तात्पर्य, कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी, लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता के से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समुचित शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वत्शालाओं में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिष नारायण के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाम के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह नाम श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस श्लोक में नैमिषारण्य आदि के जो संत हैं, नैमिषारण्य के, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि हमको मालूम है कि ये जो कलयुग है वो उस सागर जैसा है जिसको तैर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कई बार हमारे भक्त लोग भी डिस्कस करते हैं आपस में, कहते हैं कि ये भगवान को अर्पित कर सकते हैं, बोलते पता नहीं इसमें मिलावट है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ आपको मिलावट दिखाई देगी। अभी आज एकादशी है, तो एकादशी में आप देखेंगे ये बहुत पॉपुलर चीज है इस्कॉन के अंदर। जीबीसी कभी कभी साबूदानों को बैन करती है, कभी कभी वरी को बैन करती है, कभी कभी कहते आप खा सकते, कभी कभी नहीं खा सकते। इतनी भयंकर मिलावट है कि किसमें क्या मिलावट है पता ही नहीं चलता है। तो कई बार वो जीबीसी से लॉ पास होता है कि साबूदाना खा सकते हैं, कभी कभी नहीं खा सकते हैं, फिर आता है खा सकते हैं, फिर नहीं खा सकते हैं। सेम चीज उसके साथ चलते रहता है, सामा चावल के साथ। तो कई लोग तो इतने डरे हुए हैं, बोलते हैं कि कुछ खाने नहीं है, प्रभु जी सिर्फ फल खाइए। क्योंकि कलयुग में इतने सारे दोष हैं कि दोषों को पार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो कहते हैं कि कलयुग को दोषों को हम पार कर सकते हैं किसके माध्यम से? हरि नाम और हरि कथा के माध्यम से। तो रूपा जी बताते हैं गीता और भागवतम के संदेश किसके जैसे हैं? वो फेवरेबल विंड जैसे। तो जो ये देह है हमारा, ये किसकी तरह है? मनुष्य देह है, नाव की तरह। और जो गीता भागवतम के संदेश है वो है वायु की तरह। अगर वायु सही दिशा में चल रही है तो हम समुद्र को पार कर सकते हैं। और कैप्टन कौन है? कैप्टन वो गुरु है। लेकिन गुरु को अप्रोच क्यों करना चाहिए? गुरु को अप्रोच करना चाहिए शिक्षा के लिए।
ये बहुत सारे लोग समझते नहीं है। हमारे यहाँ पर खासकर बंगाल में तो आप देखेंगे हर 2 दिन में कोई ना कोई मंदिर आ जाता है। अपनी दीक्षा देवन, अब दीक्षा देंगे क्या? क्यों दीक्षा चाहिए? दीक्षा मिल जाएगी तो सारा का सारा जितना में हमने पाप कर रखा है, जितनी भी मछली खाई है, सब का पाप उठा के गुरु को दे देंगे और हम लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये मेन काम है। लेकिन लोगों को पता नहीं दीक्षा भक्ति का अंत नहीं, दीक्षा भक्ति की क्या है? शुरुआत, ठीक नहीं? इसलिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब जो इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है एकदम। तो अभी आपकी नींव बनी है, आपको उसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है भक्ति की। तो वो चालू कैसे होती है? वो चालू होती है श्रवण के दिन से। तो गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हम गुरु से श्रवण कर सके, सुन सके। और गुरु सिर्फ दीक्षा गुरु नहीं है, इसलिए शिक्षा गुरु भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने आपको अपने गुरु के रूप में ग्रहण किया है सुत गोस्वामी, कृपया करके हमको कृष्ण कथा सुनाइए, हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि जैसे ये शौनक आदि ऋषि किसी गुरु का चयन करके उनसे श्रवण करते हैं, उसी तरह से हमको एक प्रमाणिक गुरु को ग्रहण करके उससे क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। उस तरह से ये श्लोक का एसेंस है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए आजकल की जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको बोलते हैं स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस, आध्यात्मिक वधशाला, जहां पर आध्यात्मिक इच्छाएं व्यक्ति की मार दी जाती है। जैसे पहले लोग देखते थे कि पानी आ रहा है, और वो भी सही टाइम पे आ रहा है जब खेती को पानी की आवश्यकता है। तो कौन दे रहा है? जब किसान का बेटा पूछा करता था तो पिताजी बोलते थे कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। अभी बच्चों से पूछा जाता है कहाँ से आ रहा है, बोले वाटर साइकिल। तो उस तरह से जो भी जीवन के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, वो जिज्ञासाओं का कुछ इंटरमीडिएट सॉल्यूशन देके वो बता दिया जाता है स्कूल कॉलेज। और इसी वजह से जो लोगों की आध्यात्मिक रुचि है वो पूर्ण रूप से मिटा दी जाती है आजकल के स्कूल और कॉलेज में। तो पहले जमाने में क्या था? ऐसा नहीं था कि पहले में जमाने में ये सब विद्या नहीं थी। जो भी आपके मॉडर्न साइंस है, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सब के सब कनाड ऋषि का के दर्शन का पार्ट है, जिसको वैशेषिका कहते हैं। कनाड ऋषि के जो पहले 3 श्लोक है ना, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है, न्यूटन ने वहीं से चुराए हुए हैं। तो जो थ्योरी ऑफ एटम है वो आजकल हम लोग को पढ़ाया जाता है, वही सब लोग पढ़ते हैं। ये सब वेदों का हिस्सा है, वेदों के बाहर कोई विद्या नहीं है। लेकिन इन सबको मुख्य विद्या नहीं कहा जाता था। मुख्य विद्या कौन सी थी? ब्रह्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस। इसलिए जो स्पिरिचुअल साइंस है वो मेन साइंस है, और बाकी जो मेटल साइंस है वो सिर्फ हेल्प करने के लिए। इसीलिए एक आध्यात्मिक गुरु की खासकर कलयुग में आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में वो आध्यात्मिक विद्या नहीं दी जाती है। तो सिर्फ रूपा जी एम्फेसाइज कर रहे हैं। अगला श्लोक है हमारा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। पढ़िए इसका अर्थ। पढ़ो। हाँ जी, क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य, धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है।
इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धन का पूर्ण स्वरूप है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में उन्होंने अपना छठवां प्रश्न पूछा है। पहले पांच प्रश्न हो चुके हैं और छठवां प्रश्न इस श्लोक में पूछा हुआ है कि कृष्ण के जाने के बाद धर्म का आश्रय किसने लिया, क्यों? क्योंकि कृष्ण धर्म के रक्षक हैं, धर्म वर्तमानी। तो जैसे व्यक्ति जब लड़ाई करने जाता है तो एक कवच पहनता है, या फिर जब लोग बाहर जाते हैं ड्राइविंग करने के लिए सर में हेलमेट पहनते हैं, उसी तरह से धर्म की रक्षा करने वाले कौन है? कृष्ण है। योगेश्वरे, जो सारे योगियों के कौन है? ईश्वर है। तो इस तरह इसीलिए जो लोग ब्राह्मण्य अर्थात जो लोग धार्मिक कार्य करना चाहते हैं वो कृष्ण की दया पर निर्भर है, और वो दूसरे पर दया भी करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब कृष्ण चले गए तो धर्म भी चला गया, कोई कृष्ण धर्म के रक्षक है, तो कृपया करके बताइए कि फिर धर्म ने आश्रय किसका लिया। तो ये छठवां प्रश्न था। तो छह प्रश्न आपको याद रहने चाहिए। कौन कौन से प्रश्न थे? पहला था कि कौन सी ऐसी चीज है जो सभी लोगों के लिए लाभदायक है हमेशा के लिए। दूसरा के उनका प्रश्न था कि कृष्ण इस जगत में क्यों अवतरित होते हैं, वो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट होते हैं। ये सॉरी तीसरा था। दूसरा था कि सारे शास्त्रों का सार हमको बताइए, क्योंकि कलयुग के लोग हैं उनकी उम्र कम है, बुद्धि कम है, और उसके अलावा भी क्लास में आते ही सो जाते हैं सबके सब, इसलिए उस शास्त्रों का सार है उसको बताइए। तीसरा था कि कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आते हैं। चौथा था कि भगवान के एक पुरुष अवतार के बारे में बताइए। पांचवा भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए। और छठवां यहाँ पर है कि जब कृष्ण अपने धाम वापस लौट गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर लेंगे जिसको प्रोपा जी बोलते हैं डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। उसका मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ समरी, चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 की समरी है। तो पहले 7 श्लोकों में सूत गोस्वामी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो श्लोक नंबर 6 में और श्लोक नंबर 7 में पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं वो। तो श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 15 तक वो बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति की प्राप्ति, यही लक्ष्य है। और कैसे हमको पता चलेगा कि भक्ति की प्राप्ति हो रही है, तो कैसे कैसे व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस करता है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, इस श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 22 तक बताया गया है। श्लोक नंबर 23 से श्लोक नंबर 29 में बताया गया है कि कृष्ण ही सेवा के कौन है विषय है, किसकी सेवा करनी है? कृष्ण की सेवा। अन्य लोगों की सेवा करने से हम लोग संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, भले ड्यूटीफुली हमको करना पड़े, लेकिन कृष्ण की सेवा करने से ही कृष्ण को की प्राप्ति हो सकती है हम, और हम संतुष्ट हो सकते हैं। श्लोक नंबर 30, 31, 30 से 23, 33 तक विवरण आता है पुरुष अवतारों का। और श्लोक नंबर 34 में विवरण आता है हमारे तीसरे प्रश्न का कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। या भाई सॉरी सॉरी, तीसरा वाला था कि कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं। तो उसमें बताते हैं कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं, बाकी अवतार जिसलिए अवतरित होते हैं उसी लिए होते हैं।
सबको भगवत धामा पर ले जाने के लिए। तो ये चार प्रश्नों का उत्तर हम लोग दूसरे नंबर अध्याय में देखें। अभी हम लोग चालू करते हैं। दिव्यता तथा दिव्य सेवा, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रोक्तम उपचक्रमे। पढ़िए इसका अर्थ। परीक्षा में पढ़ूंगा। हाँ जी पढ़िए। रोम हर्षण के पुत्र उग्र सवा सुत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों के से पुंकर प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा नैमिषारण्य में मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह से उग्र श्रवा सूत जैसे हमने पहले बताया था, उनको उग्र श्रवा क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी उग्रता के साथ श्रवण करते थे कि लगता था कि पूरा उसमें डूब गए हैं, तो सुनना उसमें डूब गए हैं। तो अभी वो क्या करने लगे, अभी वो प्रयास करने लगे 6 प्रश्नों का उत्तर देने। तो श्लोक नंबर 2। सूत वाचा यम प्रवचंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुवाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। पढ़िए इसका अर्थ और फिर तात्पर्य। हरे कृष्ण बाबू जी, अच्छा श्रील सूत पढ़िए, तात्पर्य मत गोस्वामी, पढ़िए। ठीक है, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वो युग वृत संस्कार अथवा उच्च जाति द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्ष के शोकावश पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। धन्यवाद। तो इस तरह से ये कथा आती है सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो बैकग्राउंड सेटिंग कर रहे हैं कि भागवतम के वक्ता कौन है। तो भगवान के वक्ता कौन है, वो है हमारे सुख गोस्वामी, सॉरी सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कथा वो अभी बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले क्या बताऊंगा, इसके वक्ता कौन है। तो बताते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी वो घर छोड़ के चले गए। हाँ, बल्कि उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण नहीं की अपने पिता से। इस तरह से वो जब जाने लगे तो पीछे पीछे कौन जा रहे थे, व्यासदेव जा रहे थे। व्यासदेव कह रहे थे हा पुत्र हा पुत्र, उसकी जो प्रतिध्वनि है इको वो भी सब जगह गुजर रही थी, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। एक्चुअली इसकी कथा जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है। तो होता क्या है कि एक आम्रवन, जहां मैं हूं पास में ही है भुवनेश्वर में, एक आम्रवन, तो खासकर जब कृष्ण भगवान काशीराज की नगरी को जला के भस्म कर देते हैं, क्योंकि जो काशी के राजा थे वो कृष्ण के विरुद्ध थे और कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया था। तो जब काशी की नगरी को जला देते हैं, जला के भस्म कर देते हैं, तो शिवजी स्थान मांगते हैं
कहते हैं कि हे भगवान, हमको कोई स्थान दे दीजिए रहने के लिए। फिर पुरी के पास में ही भुवनेश्वर में वो उनको स्थान देते हैं जिसका नाम है एक आम्रवन, क्योंकि वहां पर एक ही आम का पेड़ था। और वहां पर शिव जी पार्वती जी को श्रीमद भागवतम सुनाने लगते हैं। और जैसे ही पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद होता है तो पार्वती जी सोने लगती है, जैसे भक्त लोग भी, बहुत लोग सो जाते हैं तो वो भी सोने लगती है। लेकिन कोई तो उनको हूं कर रहा था। कुछ समय में उनको रियलाइज होता है, ये कौन है, ये तो कोई तोता है, कोई मिट्टू है, कोई तोता है। अभी भी बाहर बहुत सारे तोते हैं यहाँ पे, तो वो तोता वहां पे था, वो हूं कर रहा था। तब शिव जी को रियलाइज होता है, तो शिव जी कहते हैं कि इसको हम मार देंगे ध्यान से। था। तो शिव जी उसके पीछे पीछे भागते हैं, और वो तोता भी भागते भागते यहाँ वहां जाता है। और ये तोता कौन है, ये राधा रानी का मुकुट तोता है, सुख। तो बहुत सारे तोते हैं, उसमें से एक तोता है। तो जब कृष्ण वापस भगवत धाम जा रहे थे, उसको बोलते हैं आप यहीं पे रहो, तो वो रोना चालू कर देता है तोता। कहता तो ये क्या है, सबको आप भगवत धाम लेके जा रहे हैं और हमको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं, नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो ये वही तोता था जो पूरे संसार भ्रमण कर रहा था और उस स्थान को में जाने की कोशिश कर रहा था जहां पर कृष्ण कथा चल रही है। क्योंकि जब भक्तों को कृष्ण से विरह होती है, उस विरह को दूर करने की एक ही दवाई है, वो है कृष्ण कथा या कृष्ण नाम। तो वहां पे जाके वो सुन रहा था। लेकिन जब शिव जी पीछे पड़ जाते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है, और भागते भागते जाता है बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम में जब वो पहुंचता है तो व्यास देव के सामने ही उनकी पत्नी के मुख से प्रवेश करके उनके गर्भ में चला जाता है। और फिर उसके बाद शिव जी वहां पर आते हैं, ढूंढते कहाँ गया कहाँ गया। तो व्यासदेव कहते हैं कि देखिए आप बताइए कि उस तोते की गलती क्या थी, वो हरि कथा सुन रहा था ना, हरि कथा सुनना कोई अपराध है क्या? तो फिर शिव जी समझ जाते हैं और शांत होकर चले जाते हैं। और यहाँ पे वो गर्भ के अंदर था। इस तरह से वेट करते करते, तो प्रभुपाद जी का हम देखेंगे तात्पर्य में क्या लिखा है, 12 इयर्स या 14 इयर्स ऐसे कुछ दिया हुआ है समय, और कहीं कहीं लिखा हुआ है 16 इयर्स। तो उतने समय तक क्या होता है, वो माता के घर में ही रहता है। और यहाँ पिताजी प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले बाहर आओ बेटा बाहर आओ। और सुखदेव गोस्वामी साफ साफ मना कर देते, कहते हम बाहर नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं क्यों आप बाहर नहीं आ रहे हो, बोले हम बाहर आएंगे तो माया में फंस जाएंगे। तो वो कहते हैं अरे मैं वेदों का रचयिता हूँ, मेरा नाम वेद व्यास है, कृष्ण द्वापर वेद व्यास, और मैंने वेदों की रचना इसलिए की है ताकि लोग माया से बच सके, तो मैं तुमको वेदों का अध्ययन कराऊंगा और इस तरह से तुमको माया से बचाऊंगा। तो वो कहने लगे आप क्या बचाएंगे, आप तो खुद पुत्र मोह में माया में फंसे हुए हैं, पहले बेटा बाहर निकलो। तो बोले कि ठीक है, लेकिन आप कब बाहर निकलोगे? तो वो कहते हैं कि अगर मायाधीश स्वयं आके हमसे बोलते हैं कि आप माया से बचे रहोगे, कौन, कृष्ण, तो हम बाहर आ जाएंगे। तो वो कृष्ण को ध्यान करते हैं और कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। और कृष्ण फिर सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं आप चिंता मत करिए आप बाहर आइए। लेकिन जैसे ही वो माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो क्या होता है, सीधे वन को जाने लगते हैं। क्योंकि व्यासदेव कहते हैं बेटा आने का फायदा क्या हुआ, घर में तो रह नहीं रहे हो, सीधे जाके संन्यास ले लिया। व्यासदेव पीछे पीछे जाने लगते हैं और फिर बोलते हैं हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, और आसपास जितने पेड़ थे वो भी कहने लगते हैं हा पुत्र हा पुत्र। तो इस तरह से वो भी बहुत दुखी थे। उसके बाद में कुछ कथा होती है जो बाद में बताने वाला था, जो अभी बता सकता हूँ कनेक्शन में। वो एक स्थान से निकलते हैं जहां पर बहुत सारी अप्सराएं स्नान कर रही थी, और वो अप्सराएं जब सुखदेव गोस्वामी को देखती हैं तो तन नहीं ढकती हैं,
लेकिन जब व्यासदेव को देखती है तो तन ढकने लगती है। तो व्यासदेव बोलते हैं, अरे भाई मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, तुम लोग सब मेरी बेटी जैसी हो, और मुझे देख के तुम तन ढक रही हो और सुखदेव को स्वामी को देख के तन नहीं ढक रही हो। सारे अप्सराएं कहते हैं, हमने उनकी आंखों में देखा है, हमने उनके अंदर आंखों में देखा है, उनके अंदर काम की कोई भावना नहीं है, उनको ये साक्षात्कार है कि वो शरीर है ही नहीं। लेकिन जहां तक आपकी बात आती है, आप गृहस्थ हैं, आपको स्त्री और पुरुष में भेद करना सीखना पड़ता है, भले ही आप वेद व्यास हैं, इसलिए हम लोग अपना तन ढक रहे थे। और फिर वेद व्यास निराश होकर वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर वो एक ट्रिक लगाते हैं, वो सोचते हैं कि किसी तरह से इस बालक को क्या करना है, वापस आकर्षित करना है आश्रम की। तो वो क्या करते हैं, अपने दो शिष्यों को लकड़हारा बना के भेजते हैं और उनको श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं, और उसी वन में ये लकड़हारे जाते हैं लकड़ी काटने के बहाने से, और भागवतम के दो श्लोक बोलते हैं। तो एक श्लोक तो ये वाला था, अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघांस या आप या तपी असाध्वी देवे गतिम धात्रि मुचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकियम स्तन काल कूटम, ऐसे भगवान का क्या कहना कि जो बकासुर की बहन थी बकी अर्थात पूतना, वो अपने स्तन में कालकूट लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, ले भी गतिम धात्रि मतुचाम तो अन्यम, उनको सबसे ऊंचा पदवी दिया, किसका, धात्री का, अपनी माता का। कम वा दयालु शरण हो जाए, ऐसे दयालु व्यक्ति की शरण में नहीं जाएंगे तो किसके शरण में जाएंगे। जब वो सुनते हैं कोई इतना भी दयालु हो सकता है कि जिसको लोग मारने के लिए आए हैं वो उनको माता की पदवी दे रहा है, तो कृष्ण के करुणा से वो कैसे हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये पहला श्लोक था, और दूसरा श्लोक था जो कि कृष्ण की मधुरता के बारे में बताता है, जैसे वो आकर्षित हो जाते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर्कर्णिकारम विप्रतवासा कनक कपीसम वैजयंती चमालम चंद्राण वेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वापद रमणम प्रावेशत कीर्ति कीर्ति। तो दूसरा श्लोक कौन सा था जिसमें बोलते बरहा पीणम नटवर को, कृष्ण अपने सर में मोर का पंख धारण किए हुए हैं और नटवर वपु ऐसा ड्रेस किया हुआ है जैसे कोई नट नट अर्थात ड्रामेटिक एक्टर, वो भी डॉट्स लगाते हैं कृष्ण तरह से, अलग अलग रंग से सजाते हैं अपने आप को, नटवर वपु। और कर्णय और कर्णिकारम, और अपने कान में कर्णिकर का फूल अर्थात कनेर का फूल, जो लोग हिंदी वासी है हिंदी बोलने वाले हैं वो सब जानते हैं कनेर का फूल पीले रंग का होता है, उसको धारण किए हुए हैं, वो कृष्ण का फेवरेट है। तो विव्रत वासा कनक कपीसम, और साथ में उन्होंने क्या किया हुआ है, ड्रेस किसके जैसे पहनी हुई है, पीले रंग की, जैसे बिजली कड़कती है तो पीले रंग की रोशनी आती है वैसी रंग की कपड़े पहने हुए। और वैजयंती जयमालम, और गले में वैजयंती माला पहनी हुई है। रंध्राण वेणुर अधर सुदया, और अपने अधर से अपने ओठों से जो ओठों की सुधा है अर्थात अमृत, उसको वो डालते हैं बांसुरी के अंदर, अपनी वेणु के अंदर, एक तरफ से वो सुधा जाती है और वो वाणी के माध्यम से पूरे वृंदावन में फैल जाती है, सारे व्रजवासियों को वो उस अमृत में भगवान के करते हैं डुबो देते हैं। तो वृंदारण्यम स्वापद रमणम प्रावेशत गीत कीर्ति, तो इस तरह से पूरा पूरा वृंदावन कृष्ण के अधरामृत में डूब जाता है। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, वृंदावन में अपने नंगे पांवों से चलते हैं, इसलिए वृंदावन की एक एक रज वैकुंठ की पूरी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वैकुंठ में कृष्ण चप्पल पहनते हैं खड़ाऊं पहनते हैं, लेकिन वृंदावन में खड़ाऊं नहीं पहनते, इसलिए वृंदावन को वो सौभाग्य प्राप्त है जो संपूर्ण वैकुंठ को प्राप्त नहीं। तो इस तरह से वो प्रवेश करते हैं। तो ये तो श्लोक जब सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी,
तो वो आकर्षित हो जाते, कहते कि ये श्लोक आए कहाँ से, कहाँ से आपने श्लोक बोले हैं। तो उसका रेफरेंस मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा इन दोनों श्लोकों में। तो लक्कड़हारे कहते हैं ये हमने अपने गुरु जी से सुने हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का हिस्सा है। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, क्या आपको गुरु जी को पता है श्रीमद् भागवतम? बोले हाँ, हमारे गुरु जी ने तो लिखी है श्रीमद् भागवतम। अरे गुरु जी कौन है? बोले व्यासदेव। बोले अरे बाप रे, ये तो मेरा बाप निकला, ये तो हमारे पिताजी हैं, वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो वापस जाते हैं और फिर उनसे व्यासदेव से क्या सुनते हैं? श्रीमद् भागवतम से। तो इस तरह से कथा आती है सुखदेव गोस्वामी की और व्यासदेव। और खासकर ये श्लोक का यहाँ पर रेफरेंस क्यों दिया गया है कि सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो व्यक्ति है जिन्होंने आग जिनको साक्षात्कार प्राप्त था, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के गुणों से बहुत आकर्षित हैं। तो ये उनका परिचय देते हैं सुख गोस्वामी। अभी हम लोग अब वो क्या कर रहे हैं, उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये श्लोक मैं डेली भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ा था एज ए प्रेयर्स। या स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अति तीर्थताम तमो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामी गुरु मुनी नाम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ जी पढ़िए। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाए। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी? हाँ जी शील प्रभुपाद जरा तो तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस स्तुति में शील सुत गोस्वामी श्रीमद भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। शील व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। शील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या क्षुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मंद बुद्धि हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है और कांटों द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना स्वयं का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊपर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण शील व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त मनुष्य वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। शील व्यासदेव ने अपने पुत्र शील सुखदेव को भी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, जो पूर्व से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। शील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। शील सुखदेव की कृपा से श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र
उन सभी निष्ठावान मनुष्यों के लिए सुलभ है जो भाव सागर से उबरना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ क्योंकि उन्हें पता था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने श्रीमद् भागवतम को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। श्रीमद् भागवतम के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान श्री नारायण को भौतिक सृष्टि से ऊपर बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी श्रीमद् भागवतम तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं वे श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे हरे। तो इसमें बताया गया क्यों श्रीमद् भागवतम इतनी प्रमाणिक है। या स्वानुभावम एक या स्वानुभावम एकम, तो उन्होंने क्या किया है, जो श्रीमद् भागवतम सुनी उन्होंने अपने पिता से व्यास देव से, तो मात्र सुनी नहीं है, उसको अनुभव भी किया है, उसका साक्षात्कार भी किया है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के मुंह से जो निकली है श्रीमद् भागवतम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अखिल श्रुति सारम एकम, तो जो श्रीमद् भागवतम है सारे श्रुतियों का क्या है, सार है। और ये श्रीमद् भागवतम क्या करती है, अध्यात्म दीपम, आध्यात्म का दीप जलाती है। किसके लिए, अति तीर सताम, उन लोगों के लिए जो तैरना चाहते हैं, किसके पार जाना चाहते हैं, तमा अंधम, कलयुग का घोर अंधकार है जहां पे लोगों को कुछ पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसको जो लोग पार करना चाहते हैं उनके लिए आध्यात्मिक दीप कौन सी है, ये श्रीमद् भागवतम। तो ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सेकेंडरी रिजल्ट है, लेकिन प्राइमरी रिजल्ट इसका क्या है, जो पहली लाइन में दिया है क्या, कि श्रीमद् भागवतम सारे श्रुतियों का सार है, अखिल श्रुति सारम एकम। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो इस श्रुति के सार का आस्वादन करना चाहते, निगम कल्पतरु और गलितम फलम। तो इसीलिए जो भगवान के महान भक्त हैं उनके लिए ये प्राइमरी है, और जो तमोगुण के अंधकार को पार करना है वो कैसा है, सेकेंडरी। तो इस तरह से उन्होंने कह दिया, श्रीमद् भागवतम दिया। और प्रभुपाद जी खासकर मायावाद को यहां पर हैमर करते हैं, वो कहते हैं कि व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम इसलिए लिखी क्योंकि उनको पता था कि जो मैंने वेदांत लिखा है अर्थात वेदों का अंत, जिसमें उन्होंने सारे के सारे जो बाकी जो पांच दर्शन है, वेदों की टिप्पणियां हैं, उन सब का वो खंडन करते हैं वेदांत में। पर उनको मालूम था कलयुग के लोग ऐसे बदमाश हैं कि वो उसको भी मिसइंटरप्रेट कर देंगे, लोग कुछ भी मिसइंटरप्रेट करते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कितना सही है कि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रचार किया था तो एक पूरी स्टेट, जहां तक मुझे याद है मणिपुर या त्रिपुरा जो भी है, उसके जो राजा थे वो वैष्णव बन गए थे और उसकी वजह से सारी की सारी प्रजा वैष्णव बन गई थी। लेकिन जब भक्ति सांस्कृति वहां गए तो देखा उन्होंने कि वो भी चाय पीने लगे, तो भक्ति सांस्कृति ने बोला, कह रहे आप वैष्णव हैं, वैष्णव के आप चाय पीने लगे हैं, तो बोले कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है। बोला अरे कृष्ण ने भगवत गीता में कहां बोला है, सर्वस्य चायाम हृदि सन्निविष्टो,
तो चाय को लेके स्टोव में गर्म कर कर करके पीजिए, कृष्ण भगवत गीता में। तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोग कुछ भी बहाना मार देते हैं, भगवान को भी कोट कर देते हैं। इसीलिए व्यास देव ने क्या किया, जानबूझ के श्रीमद् भागवतम लिखी, जो कि सारे वेदांत का क्या है, सार है। ये मेन कारण, ताकि लोग वेदांत सूत्रों को मिसयूज ना कर सके, उसका दुरुपयोग ना कर सके। और इसीलिए शंकराचार्य ने वेदांत को तो मिसइंटरप्रेट किया, शारीरिक भाषा लिखा, लेकिन श्रीमद् भागवतम को स्पर्श नहीं किया, उसको टच नहीं किया। लेकिन उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, वो श्रीमद् भागवतम का भी मिसइंटरप्रिटेशन करने लगे। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। ओके, अब फेमस श्लोक है जो प्रैक्टिकली हर भागवतम क्लास के बाद बोला जाता है, वो हम लोग भी रिसाइट करेंगे। सॉरी, पहले बोला था, बाद में नहीं। तो अभी वो सिर्फ प्रणाम कर रहा है। तो पहले उन्होंने प्रणाम किया किसको, अपने गुरुजी को किया, जिनसे वो उन्होंने सुनी थी श्रीमद् भागवतम, सुत गोस्वामी ने भागवतम सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से। अब वो प्रणाम कर रहे हैं जो भारतवर्ष की प्रेडोमिनेटिंग डिटी है। तो भागवतम के, भारतवर्ष की जो प्रेडोमिनेटिंग डिटी है वो है नारायण ऋषि। तो ये हम लोग पांचवें स्कंद में पढ़ेंगे। हर वर्ष के अलग अलग विग्रह हैं, तो हमारे जो मुख्य विग्रह हैं वो है नारायण ऋषि। नारायणाम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम तो जया मुदीरयेत। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढूं? हाँ जी, विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करें। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। हाँ जी, सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है, उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों को का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग सद्गुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्री सुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं, वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे, धन्यवाद। तो इस तरह से वो हर स्थान में कुछ प्रेडोमिनेंटिटी होती है, सामने बताया। जैसे आप लोकली भी देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ की जो मेन प्रेडोमिनेंटिटी है वो है वारुणी देवी, जो कि बलराम जी की वाइफ है। तो शायद वो यहीं से वारुणी लेके जाते होंगे कृष्ण, राधा कृष्ण की लीला के लिए। तो हर जगह कोई ना कोई प्रेडोमिनेंटिटी होती है। तो भारतवर्ष की जो प्रेडोमिनेंटिटी है वो है नारायण ऋषि।
इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चाहिए नरोत्तम, तो नर और नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं सरस्वती देवी। नरम चा, चा का मतलब हो सकता है ऋषि भी हो सकता है, विष्णु सभी ठाकुर कहते हैं कि चा जो इंडिकेट कर रहे हैं वो व्यास देव हैं, कि नर नारायण ऋषि को हम प्रणाम करते हैं और फिर जिन्होंने इसकी संरचना की है व्यास को, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। कुछ कुछ एडिशंस ऐसे हैं, मतलब पहले भी थोड़े अलग एडिशंस थे, चक्रवर्ती पाद के टाइम पे, जहां पे नरम चाहे नरोत्तम की जगह लिखा था नरम व्यासम नरोत्तम, अर्थात वो व्यास देव को प्रणाम करते हैं। और फिर उसके बाद में वो प्रणाम करते हैं गायत्री देवी को, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है वो गायत्री मंत्र के रूप में है, तो जो वो सरस्वती यहां बोल रहे हैं वो वाकई में गायत्री देवी को प्रणाम करते हैं। और फिर वो उनकी जय जयकार करते हैं कि जय श्री कृष्ण जय राधे, उसी तरह से जय जयकार करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की विजय हो, नारायण ऋषि की विजय हो, गायत्री देवी की विजय हो। इस तरह से सभी लोगों को प्रणाम करने के बाद अब वो प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर अभी आएगा। तो कौन सा पहला प्रश्न था, किसी को याद है पहला प्रश्न क्या था? हाँ बोलिए पीहू हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, पहला प्रश्न था कौन सी चीज है जो सभी लोगों के लिए हितकर है। हमेशा के लिए हितकर है उस समय के लिए, एब्सोल्यूट। तो कौन सी चीज हितकर है, उस श्लोक नंबर 5 में आती है। मुनया साधु पृष्टो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मासु प्रसीदति। पढ़िए इसका अर्थ। पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कौन पढ़ने वाला था? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढूं? हाँ जी, मैंने पढ़िए। अनु हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, क्योंकि तो पहले कहा जाते तात्पर्य रहने दीजिए। तो इस श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, श्लोक में वो उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? मुने आ साधु पृष्टो हम, कि आप जो बोल रहे हैं वो कैसा है हे मुनि लोग, वो बहुत उचित प्रश्न है कि बाकी सारे लोगों के लिए क्या सबसे अच्छा है। तो क्या सबसे अच्छा है, वो है कृष्ण कथा। ठीक है, सबसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे पर इनडायरेक्टली वो बोल देते हैं कि क्योंकि ये जो प्रश्न है वो कृष्ण से संबंधित हैं, यह सब लोगों के लिए सब समय में सर्वश्रेष्ठ है। इससे होता क्या है, हमारा जो बुद्धि है वो हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाती है ऐसे प्रश्नों से, बल्कि हृदय भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आपके प्रश्न हैं, प्रश्न ही पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले हैं और ये सारे शास्त्रों के सार हैं।
बट इसका जो मेन आंसर आएगा वो नेक्स्ट वर्स में आएगा, श्लोक नंबर 6 में। बट इस श्लोक में भी उन्होंने क्या किया, इंडिकेट किया है आंसर को कि कृष्ण से संबंधित जो प्रश्न है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले हैं, उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले हैं। और कब तक संतुष्ट करने वाले हैं, हमेशा के लिए संतुष्ट करने वाले। जैसे आप सिंपल चीज दे सकते हैं कि अगर अभी मैं भागवतम क्लास दे रहा हूँ, आपको उसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन अभी कोई जो न्यूज चैनल चल रहा है, न्यूज चैनल को सुनने के लिए मिलियंस व्यूअर्स रहते हैं, लाखों लोग, कभी कभी करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद क्या होगा, जो न्यूज चैनल में जो न्यूज दी गई है ना उसको कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि तो बासी हो गई है न्यूज। लेकिन जो मैं क्लास दे रहा हूं वो अगर कोई 10 साल बाद, 10,000 साल बाद भी सुनेगा तो भी वो कैसी रहेगी, अपीलिंग रहेगी, क्योंकि ये किससे संबंधित है, ये कृष्ण से संबंधित। इसलिए जो कृष्ण कथा है उसका अफेक्ट कैसा रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है, परमानेंट रहता है। कृष्ण अमर है, कृष्ण की भक्ति अमर है, कृष्ण का नाम अमर है, कृष्ण की कथा भी अमर है। और जो इन अमरत्व देने वाली चीजों से संबंध रखता है वैसा व्यक्ति भी अमर हो जाता है। तो अगर हम हमेशा कृष्ण कथा कर रहे हैं और कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो हम भी उस अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो है ये सबको संतुष्ट करने वाला, और उसको वो और डिटेल में नेक्स्ट लोग में बोलते। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अपि अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहत ययात्मासु प्रसीदति। इसका अर्थ और तात्पर्य पढ़िए दोनों। मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। तात्पर्य पढ़ना है? तात्पर्य हाँ जी, श्री शीला प्रभुपाद द्वारा। इस कथन के द्वारा श्री सुत्त गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सुत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्राणी प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्त मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए अर्थात उसमें भौतिक सुख भोग की रंचमात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए
कि वृथा की कामना सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रुचि उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धन को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती दूरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पूर्ण हैं और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। ये सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा। इस तरह से पूर्ण रूप से उत्तर इस वाले उसमें आता है, श्लोक में आता है। क्या उत्तर दिया है उन्हें? बोला है सवै पुंसाम परो धर्मो। सारे शास्त्रों का सार क्या है? वो परम धर्म है। कौन सा परम धर्म? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। ये तावान एवलोक्य अस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मिता भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणा देवी। जीवन का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, खासकर श्रवण कीर्तन करता है। और परो धर्मो, यहां पे पर धर्म क्यों बोला गया है, पर को क्यों लगाया गया है? ये बताने के लिए कि अन्य धर्मों से अलग है, ये अन्य धर्मों के परे है। अन्य धर्म जो है वो सत्गुण रजगुण तमगुण में आता है, लेकिन जो भक्ति है वो तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों के ऊपर है और सारे शास्त्रों का सार है। यथा भक्ति यतो भक्तिर। कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। ये जो प्रेम भक्ति है वो कहाँ कहाँ से आती है? अहेतुकी। खासकर ये अधोक्षजा भी है शब्द, अधोक्षजा अधः अक्षजा, मतलब किसकी भक्ति? उनकी भक्ति जिनको हम भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, भौतिक कानों से सुन नहीं सकते हैं, भौतिक नाक से हम लोग सूंघ नहीं सकते। तो वो जो भगवान है उनकी भक्ति, तो कोई साधारण मनुष्य की भक्ति नहीं है। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, हर चीज में भक्ति लगा देते हैं, देशभक्ति, देश की भक्ति, या फिर कभी कभी होती है मारवाड़ी भक्ति, मारवाड़ी लोगों की भक्ति अपने समाज के लिए, तो वो भक्ति नहीं है। या फिर बोलते हैं काली भक्ति, काली की भक्ति को भी भक्ति बोल देते हैं लोग। तो भक्ति सबकी नहीं, किसकी भक्ति? अधोक्षजा, उन भगवान की व्यक्ति जिनको हम अपनी भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? ये जो भक्ति है अहेतुकी, भक्ति अपने आप में अहेतुकी है, क्योंकि भक्त से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्त्या संजायत्या भक्त्या विभर्ति उत्पल काम तनु, भक्त की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम 11.3.31 आता है 11वें स्कंद में उद्धव गीता में, कि जो भक्त है उससे ही भक्ति आती है। साथ में जो हम लोग भक्ति करते हैं, जो कि प्रभुपाद जी बताते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? वो भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी, कोई हितो नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण के पास नहीं जा रहे हैं कि रोगों से निवारण चाहिए,
सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर में आती रहे शरीर कष्ट मिटते रहे इसलिए ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं। वो नहीं, भक्ति किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति करना हर जीव के लिए नेचुरल स्टेट है। कृष्ण की भक्ति करना अननेचुरल है, इंद्रिय तृप्ति करना अननेचुरल है। लोग सोचते उल्टा है, कोई इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो बोले हमारे जैसा है, कोई हरे कृष्ण कर रहा है तो बोलते हैं अरे कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, जीवन में कोई तो समस्या आई है, माला लेके क्यों ये हवा खिलता रहता है, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, तो उसको वो लोग अननेचुरल समझते हैं। लेकिन हर जीव के लिए नेचुरल स्टेट क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। जैसे एक मछली के लिए नेचुरल स्टेट है वो है पानी में रहना, उसी तरह से हर जीव के लिए क्या है? भक्ति करना। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। अरे कृष्ण की भक्ति करना ही हमारे लिए नेचुरल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। अहेतुकी, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, इस चीज के लिए कर रहे हैं, उस चीज के लिए कर रहे हैं। जनरल लोगों का कंसेप्शन क्या रहता है? उनको लगता है धर्म करना चाहिए ताकि अर्थ प्राप्त हो, पैसा आए। पैसे से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस संसार की विषय वस्तु खरीद सकते हैं। अच्छा बिस्तर आ गया, घर में एसी लग गया ना, सब फर्स्ट क्लास पूरे फर्निश्ड हाउस है, हाँ BMW आपके घर में आ गई, यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं। तो वो लोग सुख की कामना किससे करते हैं? इन संसाधनों से करते हैं। लेकिन ये संसाधन बड़े आराम से मिल जाते हैं किससे? भगवान के पास जाने से। इसलिए भगवान के पास लोग जाते हैं। 10 रुपए का नारियल चढ़ाइए, 1 करोड़ की BMW पाइए, कितना अच्छा सौदा है ना? 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट और 1 करोड़ आपके पास वापस आ रहा है। तो इसलिए लोग भगवान के पास जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त होता है वो इन संसाधनों से नहीं आता है। इसलिए कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि इस्कॉन के भक्तों में और लोगों में अंतर क्या है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बाकी लोग क्या सोचते हैं? भगवान की भक्ति करने से संसार के संसाधन मिलेंगे, उनसे सुख प्राप्त होगा। लेकिन हमारे भक्तों को पता कि भक्ति करने से ही सुख प्राप्त होता है, अन्य चीजों से नहीं प्राप्त होता। बल्कि भक्तों के लिए जो अन्य चीजें हैं वो कैसी हैं? वो सेकेंडरी है। सुख प्राप्त होगा भक्ति करने से, लेकिन इस शरीर को चलाना है, परिवार को चलाना है, उसके लिए हमको अन्य चीजों की आवश्यकता है। जिसको प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे डू द नीडफुल, जितनी चीजें हैं बाकी आवश्यक करिए। तो जो भी बाकी चीजें वो सिर्फ क्या? सेकेंडरी है। बट प्राइमरी चीज क्या है? भक्ति करने से ही असली सुख प्राप्त होगा। आ है चुकी। दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किया गया इसके लिए? अप्रतिहता। अप्रतिहता अर्थात ये भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। तो जो रुक गई फिर वो भक्ति नहीं कहलाती है। तो कई बार लोगों की रुकना छोड़ी है, कई लोगों की भक्ति उदय होती है साल में एक बार, जन्माष्टमी के दिन ही भक्ति निकलती है। उस दिन कृष्ण के लिए उपासना करने जाएंगे, मंदिर में लाइन में खड़े रहेंगे। लेकिन जब गणेश चतुर्थी होती है तो गणेश जी के लिए भक्ति आ जाती है, उसको फिर भक्ति नहीं कहते। असली भक्ति कौन सी है? जो चलती रहे, भक्तों के लिए उनका और कृष्ण का अलग अलग नहीं है। कर्मयोगी के लिए मेन क्या है? उसकी ड्यूटी मुख्य चीज है, फिर वो कृष्ण को अर्पित करता है। ज्ञान योगी भगवान की पूजा करता है इसलिए ताकि उसको ये साक्षात्कार प्राप्त होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। एक बार साक्षात्कार प्राप्त हो गया तो भगवान से लेने देना नहीं। जो साधारण कर्मकांडी लोग होते हैं उनको भगवान से तब तक लेना देना है होता है जब तक उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। पैसा आता रहेगा तो भक्ति करेंगे, पैसा नहीं आया तो छोड़ दो। लेकिन भक्तों के लिए कुछ भी कृष्ण से अलग नहीं है। भक्त लोग सांस लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं? ताकि हम लोग आराम से भक्ति कर सकें। भक्त लोग खाते हैं तो क्या खाते हैं? वो भक्ति है, क्योंकि वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं इसलिए उसको खाते। अगर भक्त लोग कहीं
कुछ बाहर जाके कुछ काम भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आराम से भगवान की सेवा हो सके। इसलिए भक्तों का जीवन कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में दो ही लोगों की कथाएं हैं, भगवान भक्त और उनकी भक्ति, इसी की कथा है। क्योंकि जहां भक्तों की कथा आती है वहां भगवान तो आएंगे आएंगे। तो अप्रतिहता, भक्तों की भक्ति हमेशा चलती रहती है, बस रूप टाइम टू टाइम बदल सकता है। हाँ, अगर कोई बीमार हो गया है तो भक्त लोग कई बार थोड़ा आराम करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि शरीर ठीक हो जाएगा तो फिर से भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन भक्ति कभी भक्तों की वृत्ति नहीं। तो अप्रतिहत, ऐसी जो भक्ति है वो संतुष्टि करने वाली है, अन्य संसार में कुछ भी संतुष्ट करने वाला नहीं। नॉर्मली इस संसार में सभी लोग किसी ना किसी कारण से कैसे रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब हम लोग सोते भी हैं तो करवट क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो जो आपको जिस पोजीशन में आप लेटे हुए हैं वो संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए करवट बदलना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान हम क्यों जाते हैं? एक जगह संतुष्ट नहीं, इसलिए हम दूसरे स्थान पर जाते हैं। खाने में हम वैरायटी क्यों रखते हैं? इसके बाद ये खाना है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा इसलिए दूसरा खाना है। तो इस तरह से संसार में व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है। एक ही चीज संतुष्ट करने वाली है, वो क्या है? भक्ति। और उसमें भी जो असली भक्ति जो संतुष्ट करने वाली है, प्रेम भक्ति, जो कि भक्ति का एंड है। प्रेम भक्ति ये संतुष्ट। तो तात्पर्य तो बहुत बड़ा दिया इसका चक्रवर्ती पाद ने, लेकिन हम लोग देखते हैं हम लोग कितना कवर कर सकते हैं। प्रभु जी, भक्ति में भी हम लोग वैरायटी ढूंढते हैं। कभी कीर्तन अच्छा लगता है, कभी क्लास अच्छा लगता है। हाँ, वो कारण यही है कि संतुष्ट नहीं रहते हैं ना। जैसे होता क्या है कि महापुरुष जब सुनते थे तो वो तो ध्रुव चरित्र 100-100 बार सुनते थे, प्रहलाद चरित्र 100-100 बार सुनते थे। तो कारण क्या है? क्योंकि वो उसको रिलीज कर रहे हैं। तो एक्चुअली भागवतम बनी है रिलीज करने के लिए। निगम कल्पत रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूमि भाग। बार बार उसको उसका आस्वादन करिए। ये कौन कह रहे हैं? व्यासदेव। इसलिए वो आस्वादन के लिए बनी हुई है। हमको स्वाद नहीं आता है तो फिर हमको कुछ और करना होगा, मन भी भटक जाता है भागवतम सुनते सुनते। एक बार मन भटकता है, उतना नहीं भटक जाता है, वक्त लोग गायब हो जाते हैं क्लास से, कैमरा वहीं रहता है, वक्त गायब हो जाते हैं, तो वो चलता रहता है क्योंकि उसमें अभी आस्वादन नहीं है। तो फिर चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग काल आते हैं, पहले व्यक्ति बच्चा था, फिर जवान होता है, फिर पूरा बड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है। तो उसी तरह से भक्ति में धीरे धीरे करके कैसी होती है? प्रोग्रेस करती है। उसी तरह से जो संतुष्टि का लेवल है वो भी धीरे धीरे करके कैसा होता है? बढ़ता है। तो जब एक बार व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर श्रद्धा आती है। किस चीज की श्रद्धा आती है? शुश्रूषो श्रद्धा धान से वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेव्या विप्रा पुनः तीर्ण सेवना। तो ये अभी हम लोग श्लोकों में जानने वाले हैं कि जब व्यक्ति के अंदर रुचि आती है कि हम साधुओं से सुनेंगे, साधुओं की आज्ञा का पालन करेंगे, तो उसके बाद क्या होता है? व्यक्ति साधु संघ में जाता है। खैर इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी श्लोक आने वाले हैं सारे के सारे। चक्रवर्ती पाद ने पहले दे दिया है लेकिन वो उसको फिर बाद में रिपीट भी करेंगे। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी हमने श्लोक किया है और मेमोराइज भी करना चाहिए श्लोक।
कोई पूछेगा भक्ति क्या है, तो ये वाला श्लोक पता होना चाहिए कि अधोक्षस की भक्ति होनी चाहिए, आहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए, कोई हितो नहीं होना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। अभी उसी भक्ति का और भी वर्णन आता है, तो भक्ति किसकी होनी चाहिए अब और क्लियर कर रहे हैं वो, कि वो अधोक्षस कौन है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयते आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतु कम। पढ़िए इसका अर्थ, इसका भी अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक। हम पढ़े प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहुतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संतुष्टि की गई है, उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल से उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य ये सभी सूत्र उप सिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ है सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप के सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, तो इस श्लोक में वो क्लियर क्या करते हैं, इस श्लोक में वो क्लियर करते हैं कि ये जो भक्ति है वो किसकी है, वासुदेव भगवती। ये भक्ति किसकी है, भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति है। और इससे क्या होता है, भक्ति योगा प्रयोजित कहा,
तो ये जो भक्ति है ये प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? सारे साधनाओं का प्रयोजन है। तो भक्ति ही हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, मींस, और भक्ति हमारे क्या है, गोल है। और उस भक्ति करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम वैराग्य बोलते हैं तो उस वैराग्य का मतलब क्या है, ये प्रभुपाद जी ने क्लियर किया अपने दास पर। वैराग्य का मतलब इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य। तो मात्र बाहरी वैराग्य नहीं, कौन सा वैराग्य, इंद्रिय तृप्ति से जो वैराग्य होता है उसको असली वैराग्य कहते हैं। तो होता है कि जब भक्ति में आनंद आने लगता है तो बाकी चीजों से ऑटोमेटिकली वैराग्य हो जाता है। जब व्यक्ति 8 साल 10 साल 15 साल प्रसाद खाने लगता है तो वो बाहर की चीज नहीं खा सकता, उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान के भजन कीर्तन को सुनने लगता है तो ऑटोमेटिकली किसी भी भौतिक म्यूजिक से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान की सेवा करने लगता है तो फिर इंद्रिय तृप्ति वाली सेवा नहीं कर सकते, इंद्रियों की सेवा नहीं कर सकते। तो जनयति आसु वैराग्यम, तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं ये असली वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति उस स्थिति से वैराग्य ले ले जहां पर उसकी भक्ति अच्छे से हो रही है। जैसे कि जब नंद महाराज वहां पर थे वृंदावन में, तो वहां पर एक साधु आया। तो साधु कहने लगा, अरे तुम अपने बच्चों की बात कर रहे हो जब से देखो, बल्कि पूरा वृंदावन क्या बात करते रहते हैं, कृष्ण बलराम के बारे में बात करते रहते हैं। कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है, भगवान नारायण की पूजा करो उससे वैराग्य प्राप्त होगा। तो सारे ब्रजवासी कहने लगे, अरे नहीं नहीं हम तो बहुत पते थे, हम तो सब नहीं कर सकते, हम कृष्ण बलराम के बारे में बात कर सकते। तो कोई बोलेगा कि अरे ये लोग तो बहुत ज्यादा आसक्त हैं, यशोदा नंद महाराज आचार्य ब्रजवासी, वो उस स्थिति को क्यों नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वो स्थिति सर्वोच्च स्थिति है। तो जो स्थान भक्ति करने के लिए सबसे अनुकूल है उसका वैराग्य करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो वैराग्य किसका करना है, इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य लेना है, और वो ग्रेजुअली आता है। जैसे एक बार ये BRC में था, तो उस समय वो आए थे हनुमंत प्रेषक महाराज, वहां पे आए थे BRC में, और महाराष्ट्र जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है वो उनको सर्विंग कर रहे थे। तो महाराज से कहने लगे, महाराज आप लंच में क्या लेंगे? तो महाराज थोड़ा सोचने लगे, बोलते हैं, महाराज somehow at this point of time I cannot think of sense gratification. तो उन्होंने सोचा कि आंसर तो बहुत अच्छा है लेकिन महाराज को कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो बहुत इंटेलिजेंट, उन्होंने थोड़ा टर्न कर दिया कुछ। तो वहां पर BRC में गौर नेता की ड्यूटीज है, तो पूछ रहे कि महाराज व्हाट शुड वी ऑफर टू गौर नेता, गौर नेता को हमको क्या अर्पित करना चाहिए। तो फिर महाराज कहने लगे, हाँ हाँ उनको हम चीकू दे सकते हैं, केले दे सकते हैं, ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं। तो फिर उनको ऑफर करके फिर वो महाराज को दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको आप समझे डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है किसमें, इंद्रिय तृप्ति में और भक्ति। तो जब भक्त कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है उतना उच्च कोटि का भक्त बन जाता है, तो वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोच सकता है, किसके बारे में सोचता है, कृष्ण के बारे में सोचता है कि आपके घर में जो ड्यूटीज है उनको अच्छे से देखभाल हो रही है कि नहीं है। और जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों को उतना आनंद मिलता है जितना इंद्रिय तृप्ति से नहीं मिलता। जैसा कि हमारे शरीर से तो ज्यादा खुशबू नहीं आती है, बल्कि क्या आता है वार सबको पता है। और सर्दियों के दिन में ज्यादा रिवील होता है, गर्मियों के दिन में और भी रिवील होता है, पसीना ज्यादा निकलता है।
लेकिन हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के शरीर से जो महक निकलती है तो वो कैसी है, बहुत ज्यादा इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली। इसलिए अगर हम कोई परफ्यूम लाते हैं, इत्र लाते हैं और वो भगवान को अर्पित करते हैं, तो अर्पित हम भगवान को ही कर रहे हैं, पर ऑटोमेटिकली वो खुशबू तो हमको भी आएगी ना। उसी तरह से जब हम भगवान के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बना के ये परोस रहे हैं कि भगवान संतुष्ट होंगे, और उसका प्रसाद कौन खाएगा, भक्त लोग ही खाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर अब कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसकी इंद्र तृप्ति का क्या होगा। आप भगवान की सेवा करते रहिए, इंद्रिय तृप्ति ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, बल्कि इंद्रिय तृप्ति में जितना आनंद नहीं आएगा उतना भगवान की सेवा में आएगा। अगर भगवान के लिए आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो भक्तों के लिए व्यवस्था हो जाती है। वासुदेव भगवती भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहितुकम। ऑटोमेटिकली क्या प्राप्त होता है उससे, दूसरी चीज है वो है लिखिए ज्ञान। क्या ज्ञान, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान ऑटोमेटिकली ही भक्तों को मिलता है, क्योंकि कृष्ण कौन से हैं, कृष्ण शुद्ध सत्व में है। जब हम शुद्ध सत्व से कांटेक्ट में आते हैं तो सत्व गुण में तो वृद्धि ऑटोमेटिक ही हो जाती है, और जैसे ही ये उसकी वृद्धि होती है धीरे धीरे करके हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स, कई भक्तों ने अनुभव किया होगा कि जो शरीर की जो वो रहती है डिमांड्स, वो बहुत ज्यादा भक्तों का अफेक्ट नहीं करती, बाहर के लोगों को बहुत अफेक्ट करती है। थोड़ा सा अगर खाने के स्वाद में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो लोग विचलित हो जाते हैं। अगर जो खासकर कॉलेज हॉस्टल्स हैं वहां पर अगर नमक ठीक नहीं है खाने में तो बच्चे लोग हड़ताल कर देते हैं, थर्ड क्लास बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। या अगर किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, थोड़ा सा अपशब्द बोल दिया तो लोग पूरा विचलित हो जाते हैं, पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ड्यूटी इसके अंदर टॉलरेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि शारीरिक चेतना भी धीरे धीरे करके कैसी हो जाती है, कम हो। तो 100% तो तब प्राप्त होगा जब कृष्ण प्रेम होगा, लेकिन फिर भी वो डिग्री में अंतर आ जाता है। और इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम के 11th कैंटो का एक श्लोक कोट कर रहे हैं आप। भक्ति परे सानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चै सात्र के एक काल प्रपद्यमानस्य यथास्मितासु तुष्टि पुष्टि सुदपायो अनुघासम। तो भक्ति पर ईश अनुभव और विरक्ति, तो ये तीन चीजें उन्होंने बोली है। कौन सी, भक्ति पर ईश अनुभव और विरक्ति, उसकी वो तुलना किससे कर रहे हैं, उसकी तुलना वो कर रहे हैं तुष्टि पुष्टि सुदपायो। तो जब हम लोगों को भूख लगी और हम खाते हैं तो उससे तीन इफेक्ट होते हैं। कौन से, पहला होता है तुष्टि, तुष्टि मतलब हृदय संतुष्ट हो जाता है, ये तुष्टि है। और दूसरा है पुष्टि, पुष्टि अर्थात शरीर हष्ट पुष्ट होता है, नरिशमेंट मिलता है शरीर को। और तीसरा जो होता है ऑटोमेटिक अफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध अपायो। शुद्ध अपायो का मतलब है भूख खत्म हो जाना। तो जैसे जैसे हम लोग खाते रहते हैं तो तीनों चीजें होती है, क्या तुष्टि हृदय संतुष्ट होता है, पुष्टि अपना शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और तीसरा कौन सा, क्षुद। इन तीनों की तुलना किससे की गई है, भक्ति के तीन अंगों से की गई है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, डिग्री में तीन चीजें होती है। पहले क्या होता है, भक्ति अर्थात भक्ति भावना बढ़ती है, भक्ति भावना हृदय को संतुष्ट करने वाली है। तो दूसरा क्या बताया उन्होंने, पर ईश अनुभव अर्थात कृष्ण का हाथ अपने जीवन में हमको दिखाई देता है। इसकी तुलना किससे की गई है, पुष्टि से। जैसे हृदय हष्ट पुष्ट होता है, उसे जैसे कृष्ण का हाथ दिखाई पड़ने लगता है। अभी जैसे कृष्ण ने कैसे अरेंजमेंट किया, मुझे यहाँ पे लेके आए एकदम पुरी के पास में, तो साफ साफ दिखाई पड़ता है भगवान का अरेंजमेंट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। और देखते हैं अभी एक और चांस है, पुरी में भी कुछ मिल रहा है, अगर पुरी में मिल गया तो और अच्छा है। लेकिन ये किसका, ये सब भगवान का हाथ है, भगवान
अपने भक्तों को कहाँ आश्रय लेते हैं, कैसे आश्रय देते हैं, वो दिखने लगता है समय के साथ, परिस अनुभव। और तीसरा उन्होंने जो बताया, विरक्ति। किससे विरक्ति? इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति। इसकी तुलना किससे की गई है? जैसे जैसे भूख जाती है ऑटोमेटिकली खाने से, उसी तरह संसार से विरक्ति भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये धीरे धीरे करके डिग्री से में कैसा होता है, बढ़ता है। तो चक्रवर्ती पाद ने कोट किया है। तो ये था 11:42, 11th कैंटो, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 42। ओके, चलेगा। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं हम लोग। ये भी बहुत फेमस श्लोक है। तो अभी तक उन्होंने प्रभु, बता कि, आई हाँ हैड अ क्वेश्चन, जी, नॉट क्वेश्चन एक्चुअली. ये जो प्रभु निष्काम कर्म योग है और ये सकाम है, आप एक बार थोड़ा बता देंगे? आई ऑफन गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ टू, निष्काम एंड ओके। तो सकाम. ये जो जिन लोगों ने भक्ति शास्त्र किया था हमारे साथ, उनको हमने बहुत डिटेल में बताया था। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी, पहली जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग बोलते हैं कर्मकांड। तो जो लोग वैदिक नियमों को फॉलो करने वाले हैं, कम से कम वो लोग क्या करते हैं, कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड का मतलब है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवी देवता की जब वो लोग पूजा करते हैं, देवी देवता उनको देते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो कि भगवद गीता में बताया गया। उससे जो लोग थोड़े एलिवेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग का मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी से अच्छे से कर रहे हैं, वो ड्यूटीज को ऑफर करते हैं भगवान विष्णु को। तो एक फेमस एग्जाम्पल जो हम लोग हमेशा देते हैं वो है कि किसी का भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो दिन भर मैं टीचिंग करता हूँ। अगर क्यों करता हूँ, कि वो मेरे स्वभाव के अनुसार है। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने स्वभाव के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य करता है तो संसार से लिप्त नहीं होता है। तो क्योंकि भगवान ने ये मुझे वो दिया है, नेचर दिया है, मैं उसको एंगेज कर रहा हूँ भगवान की सेवा में। और पूरी सेवा करने के बाद में, दिन के एंड में मैं क्या बोलता हूँ कि भगवान अपनी सेवा जो आपने दी है उसे संतुष्ट रहिए। लेकिन साथ में, क्योंकि मैंने आपकी सेवा की है, हमारा भी भरण पोषण करते रहिए, हमको जो चाहिए हमारी इच्छाएं पूरी करते रहिए। तो वो क्या बन जाता है, सकाम कर्म योग। तो कर्म हम कर रहे हैं भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, योग मतलब भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको योग कहते हैं। पर सकाम किसके साथ कर रहे हैं, कामनाओं के साथ कर रहे हैं, कि हमारी भौतिक कामनाएं भी पूरी हो, तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म। लेकिन वही चीज जब हम करते हैं भौतिक इच्छाओं के बिना, उसको हम लोग बोलते हैं निष्काम कर्म। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु में एब्जॉर्प्शन कैसा है, मिनिमम है, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद मैं भगवान को एंड में याद करता हूं। भक्ति यश उसका उल्टा है। भक्ति क्या है, मैं क्यों ये टीचिंग का काम कर रहा हूं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं। अगर कृष्ण ये नहीं चाहते, कृष्ण कुछ और चाहते, तो मैं कुछ और करता। तो ये क्या बन जाता है, भक्ति योग। तो ये भक्ति और कर उसमें हो गया। और नैष्कर्म्यम जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया है ज्ञान योग के बारे में, जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, सॉरी इस पर्पोर्ट में दिया है। तो वो भी श्लोक आएगा, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः सस्वतभद्रम् ईश्वरे न चार्पितम् कर्मपि अनाकारणम्। तो नैष्कर्म्यम्, नैष्कर्म्यम् मतलब बहुत वर्णाश्रम धर्म नहीं करना, या फिर वर्णाश्रम भी, आश्रम भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ वर्ण वर्ण का काम नहीं करना, उसको निष्कर्म हम कहते हैं। तो ये ज्ञान योगी करते हैं, खासकर जो लोग संन्यास इत्यादि ले लेते हैं, संन्यास कंपलसरी है ज्ञान योग के लिए, तो वो लोग वर्ण के धर्म का पालन नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं, निष्कर्म। तो ज्ञान योगी क्या करते हैं, वो दिन भर मेडिटेट करते रहते हैं, और अलग अलग तरीकों से कि हाँ, हाउ आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो ये ज्ञान योग कहलाता है। अष्टांग योग, इसके द्वारा वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं,
लेकिन किसके लिए, ये साक्षात्कार के लिए हम शरीर नहीं आते। तो ऐसे लोग 24 जो एलिमेंट्स उनका विश्लेषण करते रहते हैं, दिन भर मेडिटेट करते रहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, कंदमूल खाते हैं ताकि गुडनेस में आ सकें, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, तो ये सब काम कौन करता है? ज्ञानी। और जो लोग 8 अंगों वाले अष्टांग योग से ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वो अष्टांग योगी कहलाते हैं, तेरे को अष्टांग योगी। लेकिन इनमें से कोई भी अगर भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहता है, साथ में ये पद्धतियों से भी अटैच है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड डिवोटीज, कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त। लेकिन जो सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए अगर कर्म ज्ञान का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़े तो ही करता है, वरना नहीं करता है, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त, ज्ञान कर्मादि अनावृत। अर्थात हमारी भगवान की जो पूजा चल रही है, भक्ति चल रही है, वो हमारे लिए मुख्य है। उसको करने के लिए शरीर मेंटेन करना है, शरीर मेंटेन करने के लिए जॉब करना है, तो वो क्या होगी? शुद्ध भक्ति के लिए। तो मेन केंद्र है भगवान की सेवा, उसके लिए सेकेंडरी एस्पेक्ट में हम बाकी चीजें कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? थैंक यू प्रभु जी। तो ये नैष्कर्म में आ गया। तो नैष्कर्म हम जहां भी प्रभुपाद बोल रहे हैं उसका मतलब है ज्ञान योग। अब प्रश्न आता है कि बाकी लोग भी तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बाकी लोग भी बहुत सारी चीजें जब कर रहे हैं तो क्या उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसको धर्म नहीं कहेंगे? तो उसका उत्तर 8 नंबर श्लोक में आता है, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विक्षक्षेन कथा सुया न उत्पादयति रत्यम श्रम एवि केवलम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई विद्या आदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तात्पर्य, मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना, दासी कपन, शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में ना रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोग को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है न इसकी ही वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना कि वह शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकता पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को एक पक्षी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन से के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। अपूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है।
वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है और स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। इसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतः हमें उन व्यक्तियों धर्म में लगना होता है जिससे हमारी देवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी व्यक्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य व्यक्तियां चाहे किसी भी वाद के रूप में हो आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं क्योंकि वे समस्त सत्यताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप को देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अपने वो क्या बोल रहा है, क्लियरली बताते हैं क्या धर्म नहीं है। जो धर्म हमारी कृष्ण कथा में रुचि नहीं बढ़ा रहा है वो धर्म नहीं है। जो धर्म हमारा कृष्ण कथा में रुचि बढ़ा रहा है वही धर्म है। विश्वक्सेन कथासुया, पर कृष्ण कथा में रुचि बढ़ रही है हमारी, हरि नाम में रुचि बढ़ रही है, तो वो जो धर्म उसमें हेल्पफुल होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो धर्म ठीक है। जैसे कई बार भक्तों को समझ में नहीं आता है कि अगर फैमिली मेंबर से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, झगड़ा चल रहा है, वो भक्ति को अफेक्ट करता है, तो इसलिए वो भी मेंटेन करना कैसा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमारी हरि कथा में रुचि में हेल्प कर रहा है। उसी तरह से अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर वहां कुछ हलचल हो जाती है, हम लोग ठीक से ड्यूटीफुली काम नहीं करते हैं, तो वो माइंड को अफेक्ट करता है। अगर शरीर का हम ठीक से ध्यान रख रहे हैं तो वो अफेक्ट करता है। लेकिन अगर सब इन्हीं चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं और हरि कथा में रुचि नहीं डेवलप हो रही है तो वो कैसा है, यूजलेस। तो क्या धर्म है, जो हरि कथा हरि नाम में रुचि को बढ़ा रहा है वो धर्म है, और जो उसे दूर कर रहा है वो धर्म नहीं। ओके, तो बाकी जो आगे डिटेल्स हैं, धर्म क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम लोग कथा को विराम देते हैं। गंधरा श्रीमद भागवतम की गोपाल। यस विशंबर टू हरे कृष्ण प्रणाम जी। हरे हरे प्रभु जी। जब जब हम ये कहते हैं हर जीव का धर्म भक्ति है, तो यहाँ पर जीव का तात्पर्य केवल मनुष्य से है, मनुष्यों नहीं, नहीं सबसे है, तो प्रभु जी बाकी योनि कैसे भक्ति कर सकता है प्रभु जी भगवान की? अरे भगवान राम की सेना में, पूरी सेना में कौन लोग थे? वानर सेना। हाँ, वानर थे, भालू थे, ये सब तो थे, तो हम ऐसा नहीं हो सकते वो लोग भक्ति नहीं कर सकते। जटायु कौन थे? तो हर कोई भक्ति कर सकता है, मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए अनुकूल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भक्ति नहीं कर सकते। थैंक यू प्रभु जी। थोड़ा सा आज मैंने क्लास इनिशिएट किया है, पहला क्लास है, तो प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कि जो छह प्रश्न है थोड़ा सा उनको रिपीट करके, किस किस श्लोक में कौन सा प्रश्न पूछा है प्रभु जी? एक मैं क्या करूंगा, अभी मेरा जो ये लैपटॉप है ना, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, उसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पीडीएफ का वो हिंदी में क्वेश्चन आंसर बोले, क्वेश्चंस बोले थे ना आप किसी को देने के लिए, क्लोज या कोई सेवा कर सकता है वो जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है? नेहा माता जी। अरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी प्रभु जी मैंने नेहा माता जी को बोला है, हम लोग दो जन मिलके कर सकते हैं ये सेवा। वो हाँ, दो इंग्लिश नहीं में चार लोग बोलेगी, मिलके मैं ही कर हिंदी में सकते ट्रांसलेट करके फिर ग्रुप में डाल दूंगी। हैं। ओके, थैंक यू। सारे यस भक्तों का थैंक यू। आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको, भागवतम और भी अच्छे समझ में आएगी। श्रील हाँ प्रभु जी थैंक प्रभुपाद की। यू। जय।